बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे तहरीक इंसाफ के जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, एक आजमाइश का टाइम है, एक मुश्किल टाइम है, एक सख्ती है, तंगी है, लेकिन इस तंगी के साथ आसानी भी आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पे, अल्लाह से बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह निज़ाम सारा अल्लाह चला रहा है और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। ये जो पिछले 2-3 महीनों से हो रहा है कि जी लोग जेलों में हैं, घरों पे छापे लग रहे हैं, FIRs कट रही हैं, रोज़गार बंद हो रहे हैं, बड़ा मुश्किल एक टाइम से सारे गुजर रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से। और आपका बिलीव जो है, आपका जो नज़रियाती जो आप स्टैंड लेते हैं कि जी मैंने इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, हमने स्ट्रगल करना है, रूल ऑफ लॉ के लिए हमने जद्दोजहद की और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये मुल्क भी हमारा है, इस मुल्क में हर चीज़ हमारी है, इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारा फ़र्ज़ है और इस मुल्क में स्ट्रगल करना भी हमारा राइट है, जो कि हम करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप यकीन रखिए अल्लाह पे। और जो परसेप्शन या जो खुदा न खास्ता पता नहीं क्या किया तासुर डेवलप किया जा रहा है कि हम कोई दहशतगर्द नहीं, हम किसी पराए मुल्क से नहीं आए, कोई और हमने कोई गलत कार अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द इयर्स नहीं किया, बल्कि सारी उम्र और हर वक्त जो है हमने कोशिश की है कि हम एक बेहतर पाकिस्तान के लिए हम कंट्रीब्यूट करें, तो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और सख्त वक्त पोलिटिकल पार्टियों की उसमें आता रहता है, पहले हमसे पहले भी आया है, हम पे भी आया है, ये गुजर जाएगा इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद रखें अल्लाह से और बेहतर टाइम के लिए पॉजिटिव रहें इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।